हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है नेम द केमिकल कंपाउंड व्हिच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन मोल्टेन स्टेट टू ऑब्टेन एल्युमिनियम मेटल व्हिच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब देखो, पहला क्वेश्चन में हम लोग को एल्युमिनियम के बारे में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है नेम द केमिकल कंपाउंड व्हिच आर इलेक्ट्रोलाइज्ड इन द मोल्टेन स्टेट टू ऑब्टेन सोडियम मेटल व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। कौन सा गैस निकलता है इस प्रोसेस में। तीसरा है नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन कैलेमाइन ओर इज कैल्सिनेट। और चौथा है नेम द गैस इवॉल्व सिनेबार और इज रोस्टेड। तो चार क्वेश्चन है यहाँ पे, चारों क्वेश्चन में चार चीज पूछा गया है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि एल्युमिनियम का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, एल्युमिनियम मेटल का, तो वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये एलुमिना के द्वारा किया जाता है, जिसको Al2O3 के बोलते हैं। इसको मोल्टेन स्टेट में लिया जाता है, Al2O3। इसको मोल्टेन स्टेट में लिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराया जाता है तो ये 2Al3+ और 3O2- के फॉर्म में ब्रेक होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पे दो चीज होता है, एक कैथोड है हमारा, कैथोड और एक एनोड होता है। तो कैथोड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करके ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वही एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमारा जो ऑक्सीजन आइटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वो ओवरऑल जब रिएक्शन देखोगे तो यह 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये 2Al3+ और 2Al3+ कैंसिल, 3O2- 3O2- कैंसिल। तो हमारा बचता है Al2O3 गिव्स 2Al+3/2O2। तो ये रिएक्शन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कौन गैस निकल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, और किसके थ्रू ये रिएक्शन हो रहा है, एल्यूमिना Al2O3। तो नेम द केमिकल कंपाउंड व्हिच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू मोल्टन स्टेट टू ऑब्टेन एल्युमिनियम मेटल। तो ये हो जाएगा एल्यूमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड। व्हिच गैस इज इवॉल्व, तो ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व, ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर बी पर, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि नेम द केमिकल कंपाउंड व्हिच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन मोल्टन स्टेट टू ऑब्टेन सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को जो इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो गया सोडियम क्लोराइड। वो कुछ इस तरह से होता है, जब सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है ये 2Na+ और 2Cl- के फॉर्म में ब्रेक होता है। अब यहाँ पर कैथोड पर भी कुछ होता है, तो कैथोड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये 2Na+ अपने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये 2Na में कन्वर्ट होता है। और एनोड पर भी कुछ होता होगा, एनोड पर किए हो ये निगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज करता है, ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये 2Cl- 2Cl- कैंसिल, 2Na+ 2Na- कैंसिल। तो ये 2NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो यहाँ पे बनता क्या है, 2Na+Cl2। तो यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है, क्लोरीन गैस। तो पूछा गया है व्हिच गैस इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, तो हम लोग लिख सकते हैं क्लोरीन गैस, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड से एक्सट्रैक्शन किया जाता है और क्लोरीन गैस वहां से इवॉल्व होता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में है नेम द प्रोड्यूस व्हेन कैलेमाइन ओर इज कैल्सिनेट। अब कैलेमाइन ओर किसको बोलते हैं, ZnCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलामाइन, ठीक है। इसको हम लोग कैल्सिनेट बोलते हैं। कैल्सिनेशन किसको बोलते हैं, कैल्सिनेशन होता है जब किसी कार्बोनेट ओर को एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा लो टेम्परेचर पर, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको जब हीट किया गया एब्सेंस ऑफ एयर में, तो ये ZnO मतलब कि जिंक ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा CO2। तो कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ओके। और हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर डी में नेम द गैस इवॉल्व व्हेन सिनेबार ओर इज रोस्टेड। सिनेबार ओर जो होता है, सिनेबार इसको बोलते हैं HGS को, तो ये सल्फाइड ओर है। इसको रोस्टिंग किया जाता है, रोस्टिंग मतलब होता है कि एयर के प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है तो क्या होगा, तो एयर के प्रेजेंस में जब HGS को एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, O2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारा
HGO बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने में ये हो गया हमारा टू, ये हमारा हो गया टू, ये हमारा हो गया टू। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा थ्री। तो यहाँ पर HGO बना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं SO2, मतलब कि सल्फर डाई ऑक्साइड। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।